पढ़ेंगे इसके मेथड के बारे में कि जो जूट प्लांट होता है उसको हम लोग फील्ड से लाकर उसका हम लोग जूट फाइबर कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मेथड, स्टेम्स ऑफ जूट प्लांट आर बंडल टुगेदर एंड डिप्ड इन द रनिंग वाटर। अब बच्चों ये जो जूट प्लांट होते हैं हम लोग क्या करते हैं, इन सबको इकट्ठा करके, इनके स्टेम्स को इकट्ठा करके हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रनिंग वाटर के अंदर डिप कर देते हैं। ओके, आफ्टर दिस द नॉन फाइबर पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द जूट प्लांट। यानी कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि जो स्टेम जूट का प्लांट होता है उसकी जो स्टेम्स होती है वो क्या होती है, फाइबर पार्ट होती है, और जबकि जो उसका लीफ वाला पार्ट होता है वो होता है नॉन फाइबर पार्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे इस प्रोसेस के अंदर कि इसका जो नॉन फाइबर वाला पार्ट है हम उसको रिमूव कर देंगे, यानी कि जो लीफ वाला पार्ट है इसका हम उसको रिमूव कर देंगे। जूट प्लांट एंड देन कलेक्टेड बाय हैंड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेटिंग और स्ट्रिपिंग। यानी कि ये जो उसका नॉन फाइबर पार्ट है हम उसको निकाल लेंगे, और फिर जो उसका फाइबर वाला पार्ट होगा हम उसको इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिंग और स्ट्रिपिंग। यानी कि इस प्रोसेस के दो नाम हैं, एक है रेटिंग, दूसरा है स्ट्रिपिंग। फिर देखिए, जूट इज इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन द रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। अब जो जूट की क्रॉप है वो मेनली कहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, किन रीजन्स में इम्पॉर्टेंट होती है, वो है वेस्ट बंगाल के रीजन्स में। तो ये आपको याद रखना है कि आपको कोई भी पूछ सकता है कि जो जूट है उसकी जो क्रॉप होती है वो कहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि कौन से रीजन्स में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, वेस्ट बंगाल। फिर देखिए, ट्रेड ऑफ जूट स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ये जो जूट का ट्रेड है, अब जो ट्रेड क्या होता है, किसी भी दो कंट्री के बीच में किसी चीज़ों का एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट होना, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। तो देखिए, जूट का जो ट्रेड था वो कब स्टार्ट हुआ था, 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, जो 17th सेंचुरी थी उसमें क्या होता है, जो इंडिया कंट्री है हमारी उसके अंदर तो ब्रिटिशर्स थे, तो जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अंडर में ये सारा ट्रेड हुआ करता था। तो आपको क्या पूछे कि जूट का ट्रेड किसके अंडर शुरू हुआ था, तो आप लिखोगे ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ये ट्रेड शुरू हुआ था। कौन सा ट्रेड, जूट का ट्रेड, और वो कब हुआ था, इन 17th सेंचुरी। ओके, अब देखिए, जूट इज़ यूज्ड टू मेक स्वेटर्स, इनरवेयर्स, लेडी सूट्स, कर्टेन्स, मैट्स, रोब्स एंड सैक्स। यानी कि जो अभी जो जूट है ये किस किस चीज़ों में काम आता है बनाने में, ये स्वेटर्स बनाने में काम आता है। आप सबने पहने होंगे स्वेटर्स जूट के, वो बहुत चुभते हैं, फिर हम लोग मम्मी और को मना करते हैं, नहीं हमको ये नहीं पहनना है कि वो बहुत चुभता है इसीलिए, है ना। तो देखिए, स्वेटर्स बनाने में काम आता है, इनरवेयर्स बनाने में काम आते हैं, लेडीज सूट जो होते हैं वो बनाने में काम आते हैं, कर्टेन्स जो पर्दे होते हैं आपके होम के अंदर हाउस में वो कर्टेन्स बनाने में काम आता है, एंड जो मैट्स होती है वो बनाने काम आते हैं, एंड रोप्स एंड सैक्स। हमने ये तो पहले ही देखा था कि जो जूट होता है वो कहाँ पे काम आता है बनाने में, इसके जो दो यूज़ हैं उन्होंने पहले ही देख लिए थे, वो बनाने में काम आता है, सैक्स एंड रोप्स। इसके अलावा ये भी इसके सारे यूज़ है जहाँ पे जूट काम में आता है। ओके, फिर देखिए, जूट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली फैब्रिक। यानी कि जो जूट है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि ये प्लास्टिक जो होता है ना वो प्लास्टिक के जैसे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ओके, तो ये क्या है, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब ये भी होता है कि ये इजीली बायोडिग्रेड हो जाए, यानी कि ये इजीली डिकम्पोज हो जाए। ओके, एंड डज नॉट नीड मच यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, यानी कि अगर ये ज़्यादा, मतलब ये जो जूट की क्रॉप है ये ना तो ज़्यादा हार्मफुल होती है एनवायरनमेंट को, यानी कि ये इको फ्रेंडली होती है, और ये इको फ्रेंडली है तो क्या होता है, इसकी जो क्रॉप होती है वो ज़्यादा हार्म भी नहीं होती है, यानी कि ज़्यादा जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो ज़्यादा इसकी क्रॉप को ख़राब भी नहीं करते। तो इसीलिए क्या होता है, अपन इनका कम यूज़ करते हैं, किस चीज़ का, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का। ये चीज़ें क्या होती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो प्लांट्स को, प्लांट्स की क्रॉप को ख़राब करते हैं, उनको मारने में काम आती है। ओके, फिर देखिए, जूट इज़ द सेकेंड चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। अब हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट नेचुरल फाइबर कौन सा है जो चीप होता है, वो था कॉटन,
अब आपको पूछेगी जो सेकेंड मतलब ऐसी फाइबर का नाम बताओ जो सेकेंड चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है, तो आप उसका क्या आंसर दोगे? जूट। ओके बच्चों।